राज बंगले में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और ये पूरा वीडियो हिंदी पे होने वाला है और ये है मैविक मिनी जो DJI का ड्रोन है, इसका अनबॉक्सिंग है। मेरे पास ये रहा मैविक मिनी का पूरा बॉक्स, तो अब मैं इसको खोलूंगा और ये वीडियो मैं छोटे से छोटे रखने की कोशिश करूंगा और पूरा जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक बिगिनर जो बायर होता है ड्रोन खरीदने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बॉक्स इस तरीके का आता है, देख लो इस टाइप का जो ये बैग है, ये बैग मिलता है, इसी के अंदर सब कुछ है। ये चार्जर दिया है, तो आप फोन की जो 5 वोल्ट का जो चार्जर आता है तो उसी से आप इसका जो बैटरी है ये मिनी का, तो उसको आप चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटा सा एक मैनुअल टाइप का है, ये भी छोटे मोटे जो केबल आता है प्रोपेलर, तो वो यहाँ पे दिया है। ये बड़ा वाला एक चीज दिया है, तो इसके अंदर कुछ नहीं, जो प्रोपेलर गार्ड होता है वो इसके अंदर है। तो ये रहा बॉक्स और अब मैं ड्रोन को खोलता हूँ। ये बॉक्स को ये देखिए, ये रहा, तो ये ड्रोन, ये रिमोट और यहाँ पे चार्जिंग हब और यहाँ पे 3 बैटरी दिया है। तो तीनों में से एक बैटरी इस ड्रोन पे लगा हुआ है और 2 बैटरी यहाँ पे चार्जिंग हब पे लगा है। तो सबसे पहले मैं ड्रोन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा है और ये देखिए पूरी एकदम सील पैक है। तो यहाँ पे गिम्बल पे भी, ये कैमरे पे ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है और प्रोटेक्शन के पास ये देखिए, ये पूरा टेप से इस तरीके से लगा हुआ है। ये रहा रिमोट और ये ड्रोन और ये रहा चार्जिंग हब। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो बैटरी है ये देख लो, ये एक बैटरी, ये दूसरा बैटरी, दोनों बैटरी और यहाँ पे भी स्विच दिया है। तो बैटरी का लेवल कितना है वो चेक करने के लिए सिर्फ यहाँ पे जो ये स्विच है इसको प्रेस करना है, ये देखिए, तो बैटरी की इंडिकेशन पूरा देखा देगा। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन के नीचे यहाँ पे दिया है इसका स्विच, इसको मैं प्रेस करूँगा तो देखिए लाइट जल रहा है और दिखा रहा है कि इसका बैटरी लेवल कितना है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ख़रीदा इसका 5 मोर कॉम्बो, यानी कि इसके साथ और टोटल इसके साथ 3 बैटरी मिलता है और प्रोपेलर भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैंने इसको ख़रीदा कितने में, तो चलिए आप लोगों का वेटिंग ख़त्म करता हूँ। और इसका मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 38,000 पे कोलकाता मेट्रो गली पे। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 38,000 पे मैंने मेट्रो गली से इसको ख़रीदा। और हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मोल भाव करना होगा और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा कम या ज़्यादा होता रहता है, तो आपको जाना है और सही तरीके से जो जितने भी सारे दुकान हैं उन दुकान पे जाके तोल मोल करना है और उसी के बाद इसको ख़रीदना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन डिस्काउंट पे आपको ये मिलेगा। तो बात यही है, 38,000 पे दोस्तों फ्लाई मोर कॉम्बो, सोचिए एक बार, और वो भी प्रोफेशनल क्वालिटी का ये ड्रोन है। मेरे पास पहले से ही मैविक गियर 2 है, ये रहा। तो ये तो इसके मुकाबले देखिए, ये बहुत ही छोटा है और ये बहुत ही बड़ा है। लेकिन मैं वेडिंग के लिए भी वीडियोग्राफी करता हूँ ड्रोन से, तो इसीलिए मेरे को बड़ा छोटा दोनों ही रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने छोटे को परचेस किया है, बस यही रीज़न है। लेकिन इसको फ्लाई करके भी मैंने थोड़ा सा देखा, तो इसका जो प्रोपेलर का पावर है वो भी बहुत बढ़िया है, इससे भी फैन की टाइप का हवा निकलता है, तो बहुत अच्छा है, मैं यही कहूँगा। लेकिन इस पर कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि ये इसका जो कैमरा है वो भी छोटा है और इसका जो गिम्बल है, इस कैमरे की गिम्बल से बहुत ही छोटा है, तो जब रोटेट करता है तो बहुत ही कम स्पेस पे ये रोटेट करता है, तो बात कुछ ऐसा है। और इसका फ्लाइंग जो रेंज है दोस्तों, इसका ड्रोन के साथ रिमोट की जो कनेक्टिविटी है वो
अगर आप 500 से 700 मीटर के आसपास ही उड़ाओगे तो अच्छा रहेगा, इससे दूर अगर भेजोगे तो रिमोट के साथ ड्रोन का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो सकता है, यानी कि कनेक्शन कट हो जाएगा, तो फिर ड्रोन गुम भी हो सकता है। तो क्योंकि ये छोटा ड्रोन है ना, और रिमोट भी देखिए, तो ये बहुत पहले ही रिलीज़ हुआ था, अभी इसका तो बहुत सारे वर्शन आ गए हैं, Mini 2, Mini 3, तो ये वर्शन के मुकाबले बहुत पुराना वर्शन है, तो इसीलिए इस पे कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आपकी नज़र से ये ज़्यादा दूर तक ना जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपका ड्रोन गुम भी हो सकता है। तो ये साइट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। तो बट जो भी हो, ड्रोन ये जो मैविक मिनी है, इसका अनबॉक्सिंग का यही एक छोटा सा वीडियो है। तो मैंने इसका प्राइस बता दिया, किस लोकेशन वो भी फिर एक बार बोल देता हूँ कि मैंने इसको कोलकाता मेट्रो गली से ख़रीदा हूँ। तो बस ड्रोन भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है, आप भी चाहो तो ले सकते हो। और हाँ, इसको 2023 में ख़रीदना सही होगा या फिर गलत, तो जिनका बजट कम है 30-40 हज़ार, तो मैं यही कहूँगा आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लीजिए। और आपका जितने भी छोटे मोटे काम या फिर शौक़ है, शौक़ से आप अगर YouTube करते हो तो आप इसको ज़रूर खरीदें, और बहुत ही बढ़िया ड्रोन है, आप फुल्ली इसे एंजॉय कर सकते हो, इसको उड़ा के बहुत सारे बेहतरीन वीडियो शॉट ले सकते हो, और सोशल मीडिया जो है उस पर आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ड्रोन है, आप ले सकते हो, 2023 पे कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइस पे भी बहुत परफेक्ट बैठता है। पहले तो इसको बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन आप अगर अभी लेते हो तो इसको आप 40 हज़ार में ही ले सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक। कोई भी सवाल मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय।